कैसी लगी? हेलो, हमारे टीममेट को मार के कंधे पे उठाओगे? ऐसे कैसे चलेगा मेरी जान, मत किया करो यार, बुरा लगता है दिल से। और बताओ भाई लोग कैसे हो, मैं घरू आ गया हूँ एक नए गेम प्ले के साथ। एंड गाइस, आज ना आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक हिंट जो कि मुझे गेम के अंदर से मिला है, और इससे ये पता लगता है कि भाई BGMI जल्दी हमारे इंडिया में वापसी करने वाला है। हिंट क्या है वो तो आपको आगे चल के मैं बताता हूँ, बाकी आप लोग देखो ये वाला गेम प्ले। मैं उतरा था भाई पोचिंकी में, एंड लिटरली भाई इस वाले मैच में पोचिंकी में बहुत तगड़ी फाइट हुई है। खैर, जिस जगह पे मैं उतरा था कोई बंदा यहाँ पे नहीं उतरा था, लेकिन भाई एक भाई अभी अभी जस्ट भाई बहुत लेट लैंडिंग किया है, इसको पकड़ते हैं। खैर यार, यहां इस जगह पे तो भाई एक ही बंदा उतरा था, बाकी भाई सामने काफी सारे बंदे उतरे हैं, तो चलते हैं उन बंदों पे अभी। यहाँ इस घर में जैसे ही पहुंचा भाई, मेरे बगल वाले घर से भाई बहुत सारे फुटसाउंड आ रहे थे। ग्रेनेड कुक करता हूँ और भाई बूम, ये बंदा जैसे ही फटा भाई सीधा ही बंदे पर रश कर देता हूँ। अब इसका एक और टीममेट था जो कि ऊपर की तरफ था, और यहाँ दोनों को नॉक देते ही भाई लगे हाथ फिनिश भी कर देता हूँ। यहाँ यार लिटरली जिस जगह पे मैं हूं ना भाई, बहुत सारे बंदे मंडरा रहे हैं। आप लोग ना भाई फुट साउंड एंड भाई गोलियों के साउंड से पता लगा सकते हो भाई कितने बंदे होंगे इस तरफ। यहां इस वाले घर में जैसे ही पहुंचा भाई, ऊपर से मेरे को भाई एक बंदे का फुट साउंड आ रहा था। अब यहाँ तो भाई मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ भाई, सोचता हूँ भाई जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन भाई जाना तो पड़ेगा ना यार। यार यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये बंदा कौन से सस्ते नशे फूक के बैठा था। लिटरली मैं अंदर आया इसको पता तक नहीं लगा भाई साहब। अब देखो यार, इसको जैसे ही खत्म किया ना, सामने वाले घर पे भी एक बंदा था, बट यार मेरे पास ग्रेनेड नहीं था, इस वजह से भाई मैं उस पर फेंक नहीं पाया। लेकिन भाई अब कुछ तो इसके लिए भी यार तरकीब निकालनी पड़ेगी। यहाँ भाई सामने वाले घर पे भाई ऊपर तो दो बंदे थे ही, नीचे एक और बंदा आ जाता है, और भाई इसी का फायदा उठाते ही मैं सोचता हूँ चलो पुश कर दिया जाए। यहाँ यार इन दोनों बंदों को तो खत्म कर दिया, बाकी एक और बंदा ऊपर बचा था। यार लगता है भाई ये भी इसी टीम का बंदा था, तभी तो भाई दौड़े दौड़े ये बंदा नीचे आ गया जब पहले वाले बंदे को नॉक किया। तो यहाँ यार लिटरली भाई बहुत सारे बंदे आते ही जा रहे हैं, और तुम्हारा भाई खत्म करते ही जा रहा है। अब सामने वाले घर पे और भी कुछ बंदे आ गए थे, बहुत सारे फुट साउंड भाई साहब आ ही रहे हैं।
अब यहाँ यार ऊपर की साइड दो बंदे थे, जिनमें से एक बंदा भाई सामने वाले बंदे ने ग्रेनेड फेंक के नॉक कर दिया था, जो मुझे पता नहीं लगा था। जब मैं वीडियो एडिट करने बैठा था तब पता लगा भाई ऊपर वाला बंदा नॉक किया है भाई सामने वाले बंदे ने। अब यहाँ एक बंदा ऊपर से मेरे ऊपर रश करने वाला है। यहाँ यार ऊपर वाला बंदा मेरे ऊपर जैसे ही रश किया उसको खत्म किया, और भाई साहब सामने वाला बंदा भी मेरे ऊपर रश कर जाता है जिसको भी मैं खत्म कर देता हूँ। बाकी इधर और भी बंदे बचे हैं भाई, बस देखते रहो। यहाँ यार वो सामने वाला जो बंदा है ना भाई मेरे ऊपर ग्रेनेड कर रहा था, इसलिए मैं भाई पीछे हट के आ गया। और मैं ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि भाई मुझे लग रहा था भाई ऊपर एक और बंदा अभी बचा हुआ है जहाँ तक मेरे को आइडिया है भाई, इस वजह से मैं ऊपर नहीं गया। यहाँ पे मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, और यहाँ जैसे ही भाई सामने वाले बंदों की फाइट हुई ना, मैं भाई हटके इधर की ओर आ जाता हूँ और सोचता हूँ भाई अब रश कर देता हूँ भाई बंदों पे, थर्ड पार्टी करते हैं ना। यहाँ ये वाला बंदा ना भाई लिटरली मेरे ऊपर ग्रेनेड करने की सोच रहा था, और तुम्हारे भाई ने इसी का फायदा उठाते ही भाई बंदे पर रश कर दिया। इस बेचारे के हाथ में गन ही नहीं आई यार, कैंसिल करते बैठ गया ये तो। तो चलो यारो अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ यार BGMI को लेकर हिंट जो भाई मुझे गेम के अंदर देखने को मिला है, और उसको देखने के बाद मुझे ये लगता है कि भाई गेम जल्द ही आ जाएगा यार, और काम भी चल रहा है गेम के अंदर। अब यहाँ भाई मैं आया गेम के अंदर, गया इवेंट्स के अंदर। ये आप लोग देख रहे हो भाई थीम, आप लोग ये पोस्टर देख रहे हो, ये क्रिसमस डे का पोस्टर है जो हमें भाई BGMI के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखो यार जबकि BGMI बैन है उसके बाद भी हमें ये लॉगिंग रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और भाई यहाँ पे क्रिसमस डे का थीम भी हमें दिखा दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार 25 तारीख को गेम लॉन्च हो जाएगा क्रिसमस डे के दिन, बट इससे ये तो पता लग रहा है ना कि भाई गेम के अंदर अभी काम चल रहा है। अब यहाँ देखो यार पबजी के फैंस ना भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में ज़्यादा खेला जा रहा है भाई इस गेम को, और यहाँ यार क्राफ्टन अपना फ़ायदा तो देखेगा ही ना इंडिया से, क्योंकि भाई इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं भाई ये BGMI बोले तो भाई क्राफ्टन वाले। जितना ज़्यादा आप लोग भाई गेम के लिए परेशान हो रहे हो ना, उतना ज़्यादा भाई क्राफ्टन वाले परेशान है भाई गेम को लॉन्च करने के लिए। वो लोग यही चाहते हैं कि भाई गेम जल्दी लॉन्च हो जाए और आप लोग खेल सको और भाई क्राफ्टन वाले पैसे कमा सके। उनका तो काम पैसा कमाना है, हमारा काम खेलना है भाई, हमसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होती है। खैर चलो अब गेम में फोकस करते हैं। अब इस वाले घर पे मैं जैसे ही है ना भाई ऊपर से भाई एक बंदे का घसीटने का साउंड आ रहा था, और इतने में एक और बंदा बाहर की ओर भाई छत के ऊपर जंप किया। यहाँ से भाई इस बंदे को डैमेज तो मैं दे दिया था, और आता हूँ भाई अब इस तरफ और ये बंदे को देखना ये क्या करता है बंदर की तरह। यह लिटरली पूरा बंदर बन के बैठा भाई, छत के ऊपर जम कर रहा है फिर खिड़कियों के ऊपर आ रहा है, मतलब भाई क्या चाहता था यार। खैर अब इस वाले बंदे को देखते हैं जो ऊपर की ओर कैंप कर रहा था। खैर यहाँ पे का मामला तुम्हारे भाई ने खत्म कर दिया, बाकी अभी कुछ बंदे भाई गैरेज की तरफ है तो उस तरफ चलेंगे अभी। बाकी यार देखो गेम आना होगा तो आएगा, बाकी इतना समझ लो कि गेम के ऊपर काम चल रहा है और गेम है भाई, बनने में टाइम लगेगा, कोई हलवा थोड़ी ना जो 5 मिनट में बन जाएगा यार, समझा करो यार बात को। गेम भाई बनने में पूरे साल साल चले जाते हैं, तुम लोग क्या चाहते हो यार 5 मिनट में गेम बन जाएगा, नहीं होता भाई ऐसा यार, समझा करो। अब यहाँ भाई इस बंदे को जैसे ही खत्म किया ना, एक बंदा ब्लू हाउस से नीचे की ओर जंप किया था, तो अब उस वाले बंदे को देखने की बारी है। यहाँ यार इस जगह पे ना एक और बंदा आ गया था राइट वाले घर पे, मैं आता हूँ भाई इस तरफ फ्लैंक करके। अब पहले देखता हूँ भाई ये वाले बंदे को जो सामने की ओर ही है ये वाले घर पे।
यहाँ यार इस बंदे को जैसे ही खत्म किया, लूटा वगैरह। और भाई अब बारी है सामने ब्लू हाउस वाले बंदों की। और यहाँ यार जो ब्लू हाउस की तरफ बंदे हैं ना, उनका ध्यान चला गया था भाई बॉट मारने पे, और तुम्हारा भाई अब इसी का ही फायदा उठाएगा। भाई साहब एक अनार और दो बीमार, मतलब एक बॉट है और दो बंदे यार इसके पीछे लग रहे हैं मारने पे। खैर एक बंदा तो सामने नॉक कर दिया था, बाकी एक और बचा था। अब भाई ये बंदा तो मेरे को दिख नहीं रहा था और मैं यहाँ पे रिस्क भी नहीं लेना चाह रहा था। भाई बंदा कैंप कर रहा होगा, लेटा वेटा होगा, सांप बन के ढस लिया तो। अरे जो बंदा नॉक था उसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ये सामने जो बंदा था ना भाई, ये कुछ हलचल वलचल नहीं कर रहा था, और इतने में ही मैं भाई इस तरफ आता हूँ, क्योंकि इधर की ओर से भाई मेरे को एक डासिया आने का साउंड आया, और ये जो डासिया वाला बंदा है ना अब मेरे तरफ ही आने वाला है। खैर यारो ये गेम प्ले बस यहीं तक, क्योंकि भाई अब आगे चल के तुम्हारे भाई की बन जाएगी पेटी, लिटरली भाई मैं क्या बोलूँ। खैर आप लोगों को गेम प्ले पसंद लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो का अमेजिंग से गेम प्ले वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। लव यू ऑल।